नमस्कार, झारखंड के संथाल प्रगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार में परिजनों को करे शामिल, झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार धर्म और रीति रिवाज के तहत समुचित ढंग से कराने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। जमशेदपुर के तितवन तो देवी महिला कल्याण संस्थान की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने उक्त याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है। उन्होंने बताया कि याचिका में आरोप लगाया है कि जमशेदपुर में कोरोना संक्रमित शवों का उनके परिजनों को धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार से समुचित ढंग से अंतिम संस्कार नहीं कराने दिया जा रहा है। जमशेदपुर प्रशासन के द्वारा जैसे तैसे शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जो कि गलत है। याचिका में कहा गया है कि WHO और केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसके अनुसार शव के परिजनों को उनके अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। धनबाद, गिरिडीह और देवघर समेत कई जिलों में स्टॉक खत्म, युवा लाभुक मायूस। वैक्सीन की कमी के कारण धनबाद में पिछले चार दिनों से 18 प्लस के लिए टीकाकरण अभियान बंद है। यह सिर्फ धनबाद ही नहीं है, पड़ोसी जिले गिरिडीह के साथ भी रामगढ़, देवघर, चतरा, सरायकेला में भी टीकाकरण बंद है। जिन जिलों में चल भी रहा है वहाँ गिने चुने सेंटर ही चल रहे हैं। इससे धनबाद समेत झारखंड के लाखों युवा लाभुक मायूस हैं। टीका लेने के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है लेकिन टीका नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पास भी टीका कब से उपलब्ध होगा इस सवाल का जवाब भी नहीं मिल रहा है। महामारी में जान गंवा चुके शिक्षकों के स्वजनों को मिलेगी मदद, अब तक 50 को लील गया कोरोना। कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा विभाग के जिन पदाधिकारियों, कर्मचारी समेत शिक्षकों, पारा शिक्षकों की असमय मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को सरकार की ओर से सहायता पहुंचाई जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने 15 दिनों के अंदर मृत शिक्षा कर्मियों के आश्रितों को सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है। कोरोना वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट इंटरनेट मीडिया पर शेयर न करें, हो सकता है आपको नुकसान। वर्तमान समय में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है। लोग वैक्सीन तो ले ही रहे थे, साथ ही वैक्सीन की सर्टिफिकेट इंटरनेट मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि वैक्सीन की सर्टिफिकेट इंटरनेट मीडिया पर शेयर करना महंगा पड़ सकता है। इस संबंध में झारखंड पुलिस के साइबर दोस्त ने भी लोगों को चेतावनी दी है, कहा है कि इंटरनेट मीडिया पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को शेयर करने में सावधान रहें। साइबर दोस्त की ओर से बताया गया है कि COVID-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में आपका नाम और अन्य निजी जानकारी होती है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को इंटरनेट मीडिया पर शेयर करने से बचे, नहीं तो साइबर अपराधी आपको ठगने के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। देश में कोरोना की रोकथाम के लिए फिलहाल 2 वैक्सीनेशन कोविशील्ड और कोवैक्सीन उपलब्ध है। 5 लाख का इनामी नक्सली गांधी का आत्मसमर्पण, सहयोगी माओवादियों का राज जानने के लिए गिरिडीह पुलिस ने साधी चुप्पी। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सब जोनल मेंबर व 5 लाख रुपए की इनामी नूनू चंद महतो उर्फ गांधी ने नाटकीय तरीके से शुक्रवार की शाम पीड़ाटाण थाना में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वह पीड़ाटाण प्रखंड के बदगावा पंचायत के भेलवा डी गांव का रहने वाला है। पुलिस इस संबंध में अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। पुलिस 2-3 दिनों के बाद इस मामले में बयान दे सकती है। फिलहाल SP अमित रेणु के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी नूनू चंद से पूछताछ में जुटे हैं। आज खत्म हो जाएगा चक्रवात यास का असर, 3 जून तक होती रहेगी हल्की बारिश। बंगाल की खाड़ी में जो यास तूफान उठा था पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बाद झारखंड होते हुए बिहार की तरफ निकल गया है। यह झारखंड में प्रवेश करने से पहले ही काफी कमजोर पड़ गया था, इस कारण नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। इसे झारखंड से गुजर जाने के बाद मौसम भी साफ होने लगा। शुक्रवार को धनबाद में थोड़ी देर तक के लिए धूप भी निकली। चक्रवात का असर आज पूरी तरह से झारखंड में खत्म हो गया। हालांकि धनबाद समेत राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, देवघर, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग,
गुमला, कोडरमा और चतरा में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके साथ ही वज्रपात की भी संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। एनीमिया मुक्त भारत में गुमला जिला को राज्य में प्रथम स्थान, जाने दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन काबिज है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम से संबंधित वर्ष 2020-21 का वार्षिक स्कोर कार्ड एवं जिलों के प्रदर्शन की रैंकिंग घोषित की गई। इस रैंकिंग में झारखंड राज्य पूरे भारत में 14वें स्थान पर है, जबकि राज्य स्तरीय प्रदर्शन में गुमला जिला प्रथम स्थान पर है। विदित हो कि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की संभावना है। IAF का संपूर्ण बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी में सहायक है। कोविड-19 के दौरान सामुदायिक स्तर पर IAF द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा ने एनीमिया मुक्त भारत के वार्षिक स्कोर कार्ड के अनुसार गुमला जिला के स्कोर कार्ड की जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य स्तर पर वार्षिक स्कोर कार्ड के अनुसार गुमला जिला शीर्ष 3 अच्छे प्रदर्शन करने वाले जिलों में प्रथम स्थान पर है। केंद्र ने पारा शिक्षकों के मानदेय पर दी जाने वाली राशि घटाई। रामेश्वर उरांव ने साधा निशाना, मांगी पूरी राशि। केंद्र सरकार ने पारा शिक्षकों के मानदेय के मध्य में दी जाने वाली राशि कम कर दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए केंद्र सरकार की ओर से 781 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा 932 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया था। ऐसे में इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 151 करोड़ रुपए कम स्वीकृत किया गया है। पारा शिक्षकों के मानदेय की राशि कम करने से राज्य सरकार पर और वित्तीय बोझ बढ़ेगा। स्वीकृति राशि में 40% राशि भी राज्य सरकार को ही देनी है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कुल खर्च होने वाली राशि का 60% केंद्र व 40% राशि राज्य सरकार देती है। राशि कम करने की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से शुक्रवार को समग्र शिक्षा अभियान के बजट को लेकर हुई बैठक में दी गई। झारखंड में 10 साल में दर्जनों पुल धसे, लेकिन दोषी कोई नहीं। इन जिलों में बहे सर्वाधिक पुल कार्रवाई के नाम पर सिर्फ हुए सस्पेंड। 10 वर्षों के दौरान राज्य के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में पुल ढहने का मामला सामने आया है। पुलों का निर्माण ऐसा हुआ है कि वह पानी का तेज बहाव भी नहीं सह सका और क्षतिग्रस्त हो गया। कहीं कहीं तो तेज पानी के बहाव में पुल का पिलर ही पूरी तरह बह गया, कई जगहों पर पुल धस गया। धनबाद के बाराकर नदी के पुल का तो 5-6 पिलर क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं गुरुवार को रांची के बुंडू इलाके में कांची नदी पर 3 साल पहले बना पुल भी धस गया। यह सब यहां के पुल निर्माण की घटिया गुणवत्ता को उजागर करता है। इंजीनियरों और ठेकेदारों के गठजोड़ के कारण घटिया पुल बने, इसका नुकसान सरकार और आम लोगों को होता रहा है। सरकार का करोड़ों रुपये पानी बह गया है। ये सारे पुल ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना से बने थे। इस साल 60 से अधिक उम्र वाले नहीं जा पाएंगे हज। सऊदी सरकार ने जारी किया निर्देश, केवल इस वैक्सीन की डोज लगवाने वाले ही को मिली है अनुमति। हज यात्रा 2021 पर जाने वालों को सऊदी अरब सरकार का निर्देश है कि अरकान अदा करने व मक्का मदीना की जियारत का मौका उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज ली हो। कोवैक्सीन की सऊदी सरकार की मंजूरी नहीं है, वहीं भारत में दोनों ही वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ हज पर जाने वाले ने कोवैक्सीन इंजेक्शन लगवाया है, उन्हें यात्रा की अनुमति मिलना मुश्किल है। सऊदी सरकार ने पिफाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनिका और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को ही मंजूरी दी है। एस्ट्राजेनिका कोविशील्ड एक ही मानी जा गई है। इसके अलावा 60 साल से अधिक उम्र वालों को भी यात्रा की इजाजत नहीं है। 2020 में भी सऊदी सरकार ने विदेश मूल को हज यात्रा की परमिशन नहीं दी थी। 2021 में 60,000 लोगों को परमिशन दी गई थी। इनमें से 15,000 स्थानीय और 45,000 पूरी दुनिया के होंगे। हर साल भारत से लगभग 2 लाख से अधिक लोग यात्रा पर जाते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण कम हो रही है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या पिछले 24 घंटों में मिले 687 नए संक्रमित, 19 की हुई मौत। झारखंड में कोरोना अब सिमटने लगा है। दूसरी लहर में पहली बार राज्य में सबसे कम 687 नए मरीज मिले हैं, वही करीब 3 गुना यानी 1982 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भी जिले में नए संक्रमितों का आंकड़ा 100 पर भी नहीं पहुंचा। 21 जिलों में 50 से भी कम कष्ट मिले हैं। रांची में 64 दिन के बाद लगातार दूसरे दिन भी कम मरीज मिले हैं। गुरुवार को यहां
89 मरीज मिले हैं, जबकि शुक्रवार को 83 संक्रमित मिले हैं। यहां 303 लोग ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा 99 मरीज पूर्वी सिंहभूम में मिले थे, जो धनबाद में 68 संक्रमित। हालांकि 19 लोगों की मौत भी हुई है, इनमें रांची के 8 और पूर्वी सिंहभूम के 3 लोग थे। रिम्स से एक अच्छी खबर आ रही है। रिम्स में 9 ब्लैक और 2 व्हाइट फंगस के मरीज भर्ती, इलाज महंगी, जांच ऑपरेशन इंजेक्शन व दवाएं फ्री। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों को नहीं महामारी म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस जकड़ रही है। ब्लैक फंगस के गंभीर मरीजों में से ज्यादा की आंखें निकालने तक की नौबत आ जा रही है। आंखें निकालने के बावजूद जान बचना मुश्किल हो रहा है। ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज भी काफी महंगा है। शुरुआती दौर में भी बीमारी पकड़ में आ जाए तो मरीज का इलाज आसान हो जा रहा है, खर्च भी कम पड़ रहा है, लेकिन गंभीर मरीजों का इलाज लंबा चलता है और खर्च भी ज्यादा होता है। अच्छी बात यह है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में ब्लैक फंगस का इलाज फ्री हो रहा है। इलाज, जांच से लेकर दवाएं तक अस्पताल प्रबंधन निःशुल्क मुहैया करा रहा है। एंटी फंगल इंजेक्शन, जिसके एक दिन का डोज की कीमत करीब 37,000 है, वह भी मरीजों को फ्री दिया जा रहा है। यही कारण है कि म्यूकर माइकोसिस के ज्यादा मरीज रिम्स पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को रिम्स में ब्लैक फंगस के 9 और व्हाइट फंगस के 2 मरीजों का इलाज चल रहा था। अब तक आधा दर्जन रोगियों का ऑपरेशन कर माइनस भी ड्रेन किया जा चुका है। जिस तरह यहां कोरोना संक्रमितों का फ्री इलाज चल रहा है, उसी तरह ब्लैक फंगस से पीड़ितों का पूरा इलाज फ्री हो रहा है। 2 दिन की बारिश भी नहीं झेल पाया झारखंड विधानसभा का नया भवन, फर्स्ट फ्लोर की फॉल सीलिंग गिरी। चक्रवाती तूफान यास का असर पुल के बाद अब झारखंड विधानसभा भवन पर भी दिख रहा है। भवन 2 दिन की बारिश भी ठीक से झेल नहीं पाया। भवन के फर्स्ट फ्लोर के पश्चिमी हिस्से के कॉरिडोर की सीलिंग गुरुवार की रात गिर गई। सामान्य दिनों की तरह काम का चलता तो बड़ी घटना हो सकती थी। पश्चिमी हिस्से में विधानसभा सचिव के कक्ष के समीप यह घटना हुई है। विधानसभा सचिव के कार्यालय कक्ष के साथ साथ यह कई अधिकारियों का कक्ष है। झारखंड में निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सरकारी राशि के दुरुपयोग को लेकर समय समय पर कई सवाल उठते रहे हैं। बीते दिनों रांची के तमार बुंडू इलाके में कांची नदी पर करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल के उद्घाटन के पहले ही ढह जाने की घटना से सरकारी सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। अब विधानसभा भवन की खबर पर अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही है। 465 करोड़ रुपए से बना था नया भवन। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।